हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल से मेरी वीडियो जो आएगी वो 12th क्लास की पूरी वीडियो होगी, और 12th क्लास में मैंने क्या-क्या चैप्टर बताया था, और आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ डिटरमिनेंट, जो कि आप लोग पहले से पीछे देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने डिटरमिनेंट चैप्टर लिख रखा है, उसका डेफिनेशन भी लिख रखा है और उसके कुछ ये एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट को पढ़ने से पहले हम लोग को डिटरमिनेंट का डेफिनेशन जानना होगा। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ए बी एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ ax y b। दिस सिंबल इज नोन एज डिटरमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा और डी। डिटरमिनेंट क्या है कि ये एक जो भी सिंबल है, ये जो भी वैल्यू है हमारा फॉर्मेट है ए बी और एक्स वाई। अब इसको हम लोग लिख दिया कैसे, ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया और ये ए एक्स और वाई बी। इस सिंबल को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, और डिटरमिनेंट को हम लोग जनरली ये डेल्टा से डिनोट करते हैं या कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। अब यहाँ पे ए एक्स वाई बी ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट विच आर रियल और इमेजिनरी। रियल क्या हो गया, जैसे 2, 3, 4, 4.5, ये रियल हो गया। और इसी में अगर हम लोग आयोटा लगा दें, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आई जिसको आयोटा बोलते हैं या इमेजिनरी बोलते हैं। तो यहीं पे बोला है कि रियल और इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है रियल का, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये डिटरमिनेंट हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू है 2, 3, 4, 5। अब इसमें क्या करेंगे कि ये पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, और फिर ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 10 माइनस 12, तो ये हो गया 2। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया रियल का एग्जाम्पल। अब हम लोग इमेजिनरी का एग्जाम्पल देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर होगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी में हम लोग आई लगा देते हैं। तो अब इसी में हम लोग यहाँ पे आई दे दिया और फिर यहाँ पे आई दे दिया। तो अब ये मिक्स हो गया रियल और इमेजिनरी, ये इसमें दोनों एलिमेंट हैं। तो अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग आई दे देते हैं और फिर यहाँ पे भी आई दे देते हैं। तो चलिए ये पूरा कम्प्लीटली इमेजिनरी हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही रूल लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, और फिर ये आई और आई, आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस देंगे, फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई है, तो ये भी आई स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ा था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे -10। फिर यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, +12 हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखेंगे और फिर ये क्या हो गया, तो ये 2 हो गया। और पिछले जब इमेजिनरी नहीं था तो
उसका आंसर सिंपली क्या था, टू था, और ये -2 था। और अब ये जब पूरा इमेजिनरी हो गया तो क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। तो ये देखो ये हो गया। और आगे हम लोग देखें कि इसको क्या बोलते हैं और फिर ये वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है रो। अब रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो भी हमारे पैरेलल की लाइन है, सीधी लाइन है, उसको हम जो कि अर्थ के पैरेलल है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई वैल्यू रहेगी, लिखी हुई एलिमेंट रहेगा, उसको हम लोग रो बोलेंगे। तो जनरली ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 एन थ्रू आर डिनोटेड बाई R1, R2, R3 डॉट 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 RN रिस्पेक्टिवली। अब रो जो कि हमारा R1, R2, रो को R से डिनोट करते हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा टर्म है कॉलम। तो वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। जो भी ये हमारी ये अर्थ के परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यही वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 nth। कॉलम्स आर डिनोटेड बाई C1, C2, C3 डॉट 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 CN। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के रखा है, ये रो फर्स्ट है तो इसको हम लोग R1 कह दिया। फिर ये रो सेकेंड है तो इसको हम लोग R2 कह दिया। फिर ये रो क्या है, थर्ड रो है तो इसको हम लोग R3 कह दिया। और ये nth रो है तो इसको क्या बोलेंगे, RN। और फिर ये हमारा क्या है, ये कॉलम है वर्टिकल तो इसको हम लोग C1 कह दिया। और फिर ये क्या है, C2 है। और फिर ये क्या है, C3 है। ऐसा ही जो भी अर्थ के परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, उसको हम लोग कॉलम भी बोल सकते हैं। और जो अर्थ के पैरेलल रहेगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलेंगे या उसको हम लोग ये रो भी बोलेंगे। तो यही हो गया। और अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये जैसे कि ए है और फिर यहाँ पे एक्स है और फिर ये वाई है और ये क्या है, बी है, और ये एलिमेंट है, तो हम लोग ये वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। ये जो फर्स्ट ये ए बी का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। प्राइमरी डायगोनल बोलेंगे इसको या मीन डायगोनल बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलेंगे। ये हो गया। और फिर ये अपना कॉलम हो गया। अब देखते हैं कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये तो यहाँ पे ए एक्स और फिर ये वाई और ये बी है, तो अब ये है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अपने पास ए बी, और फिर क्या बताया था, माइनस देना है, और फिर ये क्या है, फिर ये एक्स वाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग पी डी से डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीड डायगोनल, और क्या बोलेंगे, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल को एस डी से डिनोट करते हैं। तो इस वाले को क्या बोलेंगे कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीड डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल। और अब इस पे देखते हैं यही एग्जांपल, ये 2, 4, 8, 9।
तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और फिर ये -32, तो ये कितना हो जाएगा, अब 32 में ये 18 में से माइनस करेंगे 32, तो ये अपने पास -14 आ जाएगा। तो ये इतना आंसर हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।